तो आपने देखा होगा ना कभी कभार कुछ कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं लाइक कॉकरोच वगैरह देख लो, आप उसको जब किल करते हो तो उसकी बॉडी से ब्लड नहीं निकलता, मींस उनके पास आरबीसीज नहीं है। Hey guys, welcome to our channel. I hope you all are doing well. So, कैसे चल रही है आपकी नीट 2024 की प्रिपरेशन? और जो बच्चे अभी क्लास 11th में हैं, उनको देना है नीट 2024, तो आपके लिए बेटा मैं ले आई हूँ चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की वीडियोस, ठीक है। चैप्टर 1 जो है लिविंग वर्ल्ड हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है और उसकी सारी वीडियोज हमारे चैनल पे अवेलेबल है, तो अगर आपने नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक आपको आई बटन में दे दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, वहां जाके आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। वीडियोज अगर पसंद आ रही है आपको, मेरी ये जो नीट 2024 का फुल कोर्स है, अगर ये अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करिए, कमेंट करके बताइए आपको किस स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियोस चाहिए, वो आपको मेरे चैनल पे अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। तो चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, और वीडियो आप एंड तक जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस हो रहे हैं, पूरी एनसीईआरटी बेस्ड वीडियोस हैं ये, एनसीईआरटी के एक एक लाइन एक एक पॉइंट को इसमें कवर करा जाएगा, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो जरूर लाइक और कमेंट करके मुझे बताना, शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। चलो तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर इज 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, आज का टॉपिक है हमारा लेक्चर नंबर 1। इसमें हम बात करेंगे अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कौन कौन से थे, उसमें क्या क्या करा गया था, उसके प्रोपोनेंट्स कौन थे, किसने वो दिया था, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे याद रखना है, देखिए बेटा सबसे पहले हमें यहाँ पे देखना है एनसीईआरटी की जो लाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है आपकी, वो मैं आपको बता देती हूँ एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है। देखो बेटा जब मैं पढ़ाती हूँ साथ साथ मैं आपको एनसीईआरटी की लाइंस और जहां से नीट में क्वेश्चंस आए हैं वो साथ साथ बताती जाती हूँ, तो आप अपनी एनसीईआरटी साथ लेके बैठिए, आप अपनी नोटबुक साथ लेके बैठिए, इस वीडियो को देखते रहिए, अपने नोट्स बनाते रहिए। इस तरह के नोट्स आपको मैं सच्ची बता रही हूँ कहीं अवेलेबल नहीं होंगे, बहुत ही सटल, बहुत ही ज्यादा टू दी पॉइंट कंटेंट आपको इन नोट्स के अंदर मिलेगा, ठीक है। आप एक बार नोट्स पढ़ के एनसीईआरटी रीडिंग लगाओगे ना, आपके सारे जो है कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे बिल्कुल। तो जो मैं बोल रही हूँ एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको एनसीईआरटी में भी हाईलाइट करिए, ठीक है, ताकि आपको बार बार मल्टीपल रीडिंग्स ना लगानी पड़े और उस चीज को अपने नोट्स में भी लिख लीजिए, अंडरस्टूड। चलो तो एनसीईआरटी में सबसे पहले लाइन लिखी हुई है कि जो एरिस्टोटल थे ही वॉज द अर्लीएस्ट। एरिस्टोटल कौन थे? फादर ऑफ बायोलॉजी, ठीक है, और फादर ऑफ जूलॉजी ऑल्सो। एरिस्टोटल वॉज द अर्लीएस्ट टू अटेम्प्ट ए मोर साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। एरिस्टोटल ने हमें एक क्लासिफिकेशन का साइंटिफिक बेसिस मतलब ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। ही वॉज द अर्लीएस्ट मैन जिन्होंने हमें वो बताया था कि भाई लिविंग ऑर्गेनिजम्स कितने टाइप के होते हैं, उनकी फर्दर कैटेगरीज क्या होती है। तो बेटा आपको बोलना है एरिस्टोटल वॉज द अर्लीएस्ट। अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन में पूछा जाए हु वॉज द अर्लीएस्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, तो आप बोलेंगे एरिस्टोटल, ठीक है। तो एनसीईआरटी की लाइन देखो क्या लिखा है, एरिस्टोटल वॉज द अर्लीएस्ट टू अटेम्प्ट ए मोर साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। ही गेव अ साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, उससे पहले कोई क्लासिफिकेशन नहीं आई थी और अगर आई भी थी तो उसमें साइंटिफिक जो है बेस यूज नहीं करा गया था, ठीक है। सो हु वॉज द अर्लीएस्ट, अगर आपसे पूछे हु वॉज द अर्लीएस्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, तो आप क्या बोलेंगे, एरिस्टोटल, ठीक है। अब एरिस्टोटल ने क्या बताया बेटा हमें, इन्होंने बोला कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स कितने टाइप के हैं? टू टाइप्स के। फर्स्ट कैटेगरी इन्होंने बोली प्लांट्स की, ठीक है। इन्होंने बोला कि भाई एक तो है प्लांट्स जो कि ग्रीन होते हैं दिखने में, जो मूव नहीं कर सकते, अपने पोजीशन चेंज नहीं कर सकते, जो जहां है वहीं रहेंगे, और दूसरे एनिमल्स जो अलग अलग पैटर्न के हैं और वो मूव भी कर रहे हैं, वो अपनी प्लेस वन प्लेस टू अनदर प्लेस में मूवमेंट शो कर रहे हैं, उस कैटेगरी को इन्होंने डाल दिया एनिमल्स में, ठीक है। तो इन्होंने बोला अर्थ पे दो ही तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं, वन विच आर केपेबल ऑफ मूविंग एनिमल्स एंड दोज विच आर नॉट केपेबल ऑफ मूविंग प्लांट्स, ऐसे कैटेगरीज बनाई इन्होंने, ठीक है। अब प्लांट्स के अंदर भी इन्होंने फर्दर तीन कैटेगरीज बना दी, ठीक है, किसके बेसिस पे, जो इन्होंने बेस लिया था दैट वॉज ऑन द बेसिस ऑफ हैबिट, बेसिस था हैबिट। अब आप सोच रहे होंगे हैबिट का मीनिंग क्या है, यहाँ पे हैबिट बोला जाता है बॉडी किस टाइप की है, बॉडी टाइप मीन्स मॉर्फोलॉजी, किस टाइप की बॉडी है उसको हैबिट बोलते हैं, ठीक है। तो हैबिट के बेसिस पे, हैबिटेट नहीं है, इसको ध्यान से सुनना, हैबिट बोला है मैंने, हैबिट के बेसिस पे तीन तरह के प्लांट्स की कैटेगरी दी उन्होंने। फर्स्ट इज हर्ब्स, ठीक है, सेकेंड दी श्रब्स एंड थर्ड वॉज ट्रीज, ठीक है। अब हर्ब्स में इन्होंने किस किस को डाला, बॉडी के बेसिस पे डाला ना, तो हर्ब्स में इन्होंने डाला सॉफ्ट बॉडी प्लांट्स को, जिनकी बॉडी कैसी होती थी, सॉफ्ट,
उनको किस कैटेगरी में रखा गया? हर्ब्स की कैटेगरी में, ठीक है। श्रब में इन्होंने किसको रखा? जिनकी बॉडी वुडी थी, वुडी नेचर की, बट उसमें मेन ट्रंक या जो मेन आप बोलते हो ना स्टेम, जो ट्रंक होता है तना होता है, वो नहीं था, पर वैसे ओवरऑल बॉडी कैसी थी? वुडी थी, नो मेन ट्रंक। जैसे कि आप देखते हो ना रोज के अंदर, रोज प्लांट के अंदर उसकी बॉडी जो है वो वुडी नेचर की तो होती है, बट उसके पास ट्रंक नहीं होता। तो वो जो है इस तरह के जो भी प्लांट्स होंगे जिनकी बॉडी वुडी नेचर की है बट दे लैक मेन ट्रंक, उसको हम बोलते हैं श्रब्स। और ट्री में आएंगे, दे आर ऑल्सो वुडी एंड दे ऑल्सो हैव मेन ट्रंक, ठीक है। तो इन्होंने बोला देखो हमारे अर्थ पे दो तरह के ऑर्गेनिज्म है, प्लांट्स एंड एनिमल्स, बट प्लांट्स में भी उनके बॉडी के टाइप्स के हिसाब से तीन फर्दर कैटेगरीज बनती है, हर्ब, श्रब एंड ट्रीज। हर्ब्स पे आएंगे सॉफ्ट बॉडी वाले, जो बिल्कुल सॉफ्ट है, जैसे ग्रासेस वगैरह आप बोल सकते हो, है ना। एग्जाम्पल भी लिख लो ग्रासेस, ठीक है। यहां पर क्या एग्जाम्पल बनेगा? रोज। और यहां तो आप कोई भी ट्री ले लो, मैंगो ट्री ले लो, ठीक है। दूसरा बोला उन्होंने श्रब्स, जिनकी बॉडी तो वुडी नेचर की है बट मेन ट्रंक नहीं है, मतलब भी द बॉडी इज ओवरऑल वुडी बट नो मेन ट्रंक, और नो मेन आप बोल सकते हो वुडी स्टेम इज नॉट देयर, ठीक है। एंड थर्ड कैटेगरी वॉज ट्री, जिसमें उन्होंने बोला कि ये बहुत वुडी नेचर के होते हैं, उनमें मेन ट्रंक भी होता है, ठीक है। इन द सिमिलर मैनर इन्होंने एनिमल्स की भी दो कैटेगरी बताई। एनिमल्स की कैटेगरी जो बताई थी वो था किसके बेसिस पे? इट वॉज ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एबसेंस ऑफ आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। Presence और absence of RBCs, red blood cells. अब आप बोलोगे मैम उस टाइम तक RBCs डिस्कवर हो गए थे? नहीं, नॉट पॉसिबल। जब प्लांट और एनिमल ही नहीं पता हमें, हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स कितने टाइप के हैं वही नहीं पता, तो हम RBCs तक कहाँ पहुंच चुके होंगे? अंडरस्टूड। तो ये RBCs जो होते हैं ये तो बाद में डिस्कवरीज हुई है, तब हमें पता चला है कि ओके एरिस्टोटल ने उस टाइम पे इन चीजों के बेसिस पे इनको क्लासिफाई किया था। एक्चुअल में एरिस्टोटल ने क्या देखा कि जिस ऑर्गेनिज्म की बॉडी को जब कट करते हैं तो अगर रेड कलर का फ्लूइड बाहर आता है तो उसके पास वो आरबीसी प्रेजेंट है, और नहीं आता है तो नहीं है। तो ये उन्होंने बस उस टाइम पे यही बोला था, रेड फ्लूइड प्रेजेंट, रेड फ्लूइड एबसेंट। तो बाद में जब हमने इसकी डिस्कवरी करी तो हमने उसको साइंटिफिक टर्म्स दे दिए, दैट इज इंस्टेड ऑफ रेड फ्लूइड हम उसे क्या बोल दें? आरबीसी प्रेजेंट और एबसेंट, ठीक है। तो इसपे दो कैटेगरी बनती है, वन इज इनेमा, जिसमें वो इंसेक्ट आते हैं जिनके पास आरबीसी प्रेजेंट होते हैं, या वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिनके पास आरबीसी होता है, एंड सेकेंड कैटेगरी इज एनेमा, ठीक है। एनेमा, तो ये जो थे आपके इनेमा, इनमें आरबीसीज प्रेजेंट थे, मींस इनकी बॉडी को जब कट करते थे या इनके बॉडी से वो रेड फ्लूइड निकलता था, ठीक है। और एनेमा, देखो बेटा कभी भी ए आ जाए किसी भी चीज के आगे ए, उसका मतलब होता है एब्सेंट, तो इसका मतलब इनमें आरबीसीज एब्सेंट थे। तो आपने देखा होगा ना कभी कभार कुछ कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं लाइक कॉकरोच वगैरह, देख लो आप उसको जब किल करते हो तो उसकी बॉडी से ब्लड नहीं निकलता, मींस उनके पास आरबीसीज नहीं है। या कुछ और ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जब उनको किल करते हैं तो उनकी बॉडी से ब्लड निकलता है, तो उसके बेसिस पे इन्होंने दिया था। बट इनिशियली द टर्म आरबीसीज वॉज नॉट यूज, ये तो बाद में दिया गया है क्लासिफिकेशन के टाइम पे, ठीक है। तो आपको ये पूरी क्लासिफिकेशन है एरिस्टोटल की, मैंने आपको समझा दी, सारा एनसीईआरटी बेस्ड कंटेंट है ये आपको पढ़ना ही पड़ना है बेटा, ठीक है। बेशक एनसीईआरटी में इनेमा एनेमा ना हो, बट एनसीईआरटी में ये जरूर बता रखा है कि आरबीसी प्रेजेंट और आरबीसी एब्सेंट के बेसिस पे उन्होंने क्लासिफिकेशन दी थी। पर एक दो टर्म्स अगर आप पढ़ लोगे तो आपकी नॉलेज ही एनहांस होगी। तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगी बेटा कुछ भी कम मत करो, कुछ ना कुछ ज्यादा ही करो, ताकि अगर पेपर में थोड़ा सा भी मॉडिफिकेशन हो जाए तो आप कॉन्फिडेंट रहे, आप घबराए नहीं, है ना। तो ये आपकी क्लासिफिकेशन है, अर्लियस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। पेपर में लाइन आती है, क्वेश्चन आता है, हु वाज द अर्लियस्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, तो आपको बोलना है एरिस्टोटल। और एरिस्टोटल को ही हम क्या बोलते हैं? फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ जूलॉजी, ये भी मैं आपको यहाँ लिख देती हूँ। एरिस्टोटल जो है इनको क्रेडिट दिया जाता है फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जूलॉजी। अब आप पूछोगे मैम बॉटनी के फादर भी यही हैं या कोई और है, तो उसके लिए नाम है थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस जो है उनको बोला जाता है फादर ऑफ बॉटनी, दैट इज स्टडी ऑफ प्लांट्स।
ठीक है। तो इस वीडियो में बेटा इतना ही। दिस इज द वीडियो फॉर अर्लियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करके जाना, और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये जो नीट 2024 का फुल कोर्स सीरीज है ये कैसा लग रहा है, कैसा पसंद आ रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम बात करेंगे टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। मैं आपके लिए शॉर्ट शॉर्ट वीडियोज लेकर आ रही हूँ ताकि आप ज्यादा बोर ना होए और आप जल्दी जल्दी अपने नोट्स बना ले सीक्वेंस में। सारी वीडियोस जो है वो मेरे प्लेलिस्ट में अवेलेबल हो जाएगी सीक्वेंस में, लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4। कोई भी कंफ्यूजन फिर भी होता है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि मैम बताइए वो प्लेलिस्ट कहाँ है, वीडियोस नहीं मिल रही है, आप इसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।